हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तपस्वी और स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल एग्जाम तपस्वी पे, जो है सफलता की राह में आपका साथी। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने महा 100 की वीडियोस देखी, जो हम आईसी इंजन के ऊपर 100 एमसीक्यूज लाने वाले थे। उसका अभी चैनल पे 3 पार्ट आ चुका है, यानी लगभग 25x3 75 क्वेश्चंस ऑलरेडी आपने देख लिए होंगे। अभी उसका पार्ट 4 चैनल पे आना बाकी है, जिसमें हम बाकी के 25 क्वेश्चंस आईसी इंजन के ऊपर सॉल्व करेंगे। मगर उससे पहले फ्रेंड्स, महा 100 के पार्ट 3 वीडियो में हमने आपसे कहा था कि मुझे बहुत मेहनत लगता है वीडियोस बनाने में, जो कि सच है। जॉब के बाद, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद वीडियोस को टाइम देना सच में मेरे लिए बहुत मेहनत का काम होता है। अभी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अभी रात के 11 बजे हुए हैं। ओके, मोस्ट प्रोबेबली आपको ये कल वीडियो मिल जाएगा। तो इसके लिए मैंने आपको कहा था कि फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो पे 50 प्लस लाइक्स मुझे चाहिए आईसी इंजन के महा 100 वाली सीरीज के पार्ट 3 पर, तो ही मैं आपके लिए आगे आपका जो सिलेबस में इंजन से रिलेटेड थ्योरी वाला पार्ट है उसको कवर करूंगा, उसका पार्ट लेके आऊंगा, उसे शुरू करूंगा। तो थैंक यू सो मच, आपने उस वीडियो पे मुझे 50 प्लस लाइक्स दिए, जो रियली मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए फर्दर वीडियोस लाने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको वादा किया था, आपसे प्रॉमिस किया था कि ठीक है, आप 50 प्लस दीजिए लाइक्स, तो मैं आपके लिए थ्योरी पार्ट लेके आऊंगा। तो आपकी जीत हुई, मैंने अपने वक्त से थोड़ा वक्त निकाल के आपके लिए थोड़ा सा रिसर्च करके थ्योरी पार्ट आपके सिलेबस में जो इंजन का सेक्शन है उसके लिए ला रहा हूँ। मुझे एक फ्रेंड ने कमेंट किया था कि सर, इससे रिलेटेड चैनल्स पे पेड कंटेंट अवेलेबल है, बट उसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा है, जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मुझे प्लीज थ्योरी पार्ट प्रोवाइड करिए। वो भी मेरे लिए एक रीजन था कि मैं आपके लिए थ्योरी इन टॉपिक्स पे अवेलेबल कराऊं। बस बात थोड़ी सी आके जहां अटकती थी वो थी कि मुझे प्रॉपर मोटिवेशन नहीं मिल रहा था कि मैं चैनल पे वीडियोस डाल रहा हूं, लोग उसको लाइक नहीं कर रहे, देख तो बहुत सारे लोग रहे, ऑब्वियस सी बात है, मैंने देखा है वीडियो के व्यूज बहुत अच्छे जा रहे हैं, बट उसको शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना उतना नहीं हो पा रहा है। और इंडिकेशन सबसे पहला मिलता है वीडियो को लाइक कौन कौन कर रहा है, वीडियो को लाइक नहीं मिलता तो फ्रेंड मोटिवेशन नहीं मिलता मुझे। तो थैंक यू वंस अगेन, उस वीडियो को 50 प्लस लाइक्स आपने दिए। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स, आपके सिलेबस के इंजन वाला पोर्शन जो है उससे रिलेटेड आपके लिए मैं थ्योरीज के वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जो थ्योरी पढ़ाऊंगा वो बेसिकली टोटल 20 लेसंस में है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें आपको जो भी आपके सिलेबस में आना है वो सारा पोर्शन A to Z मैं कवर कर लूंगा। इसमें से कुछ भी आपके सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा, आपके सिलेबस में जो भी कुछ दिया हुआ है वो A to Z आपको हमारी इन वीडियोस में थ्योरी पार्ट में मिल जाएगा। कोशिश करूंगा मैं ब्रीफ करके आपको हर एक टॉपिक समझाऊं हर एक लेसन में। पॉसिबिलिटी है कि अगर वो लेसन थोड़ा बड़ा रहा तो 2 से 3 वीडियोस में आएगा, और टॉपिक अगर छोटा रहा तो पॉसिबिलिटी है एक लेसन एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए। तो देखते हैं फ्रेंड्स हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला लेसन होगा फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ इंजन, इंजन का परिचय और प्रकार। लेसन 2 होगा डिजाइन ऑफ इंजन एंड इट्स कॉम्पोनेंट्स, इंजन और उसके घटकों का डिजाइन। लेसन 3 पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन ऑफ डीजल इंजन, डीजल इंजन का परिचय। लेसन 4 होगा फंक्शनिंग ऑफ 4-स्ट्रोक डीजल इंजन एंड 4-स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 4-स्ट्रोक डीजल इंजन और 4-स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की कार्य प्रणाली। लेसन 5 होगा इंट्रोडक्शन ऑफ सीएनजी इंजन, सीएनजी इंजन का परिचय। लेसन 6 होगा डिफरेंस बिटवीन एसआई इंजन एंड सीआई इंजन, एसआई इंजन और सीआई इंजन के बीच अंतर। लेसन 7 होगा स्टार्टिंग सिस्टम आरंभिक प्रणाली। लेसन 8 होगा फ्यूल सिस्टम ईंधन प्रणाली। लेसन 9 होगा चार्जिंग सिस्टम एंड बैटरी पर। लेसन 10 होगा इंजन इंटेक पर। लेसन 11 होगा इंजन एग्जॉस्ट के ऊपर। लेसन 12 होगा कूलिंग सिस्टम के ऊपर शीतलन प्रणाली पर। लेसन 13 होगा लुब्रिकेशन पर। लेसन 14 में पढ़ेंगे हम डिफरेंस बिटवीन ऑक्टेन नंबर एंड सीटेन नंबर, ऑक्टेन संख्या और सीटेन संख्या के बीच अंतर। लेसन 15 होगा इंजन परफॉर्मेंस पैरामीटर के ऊपर। लेसन 16 क्लच एंड गियर बॉक्स के ऊपर होगा। लेसन 17 टाइप ऑफ एक्सेल के ऊपर होगा। लेसन 18 सस्पेंशन सिस्टम के ऊपर होगा, सस्पेंशन प्रणाली पे होगा। लेसन 19 होगा ब्रेकिंग सिस्टम के ऊपर, और लेसन 20 होगा ट्रांसमिशन सिस्टम के ऊपर। फ्रेंड्स ये 20 लेसंस हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं लेसन नंबर 1 इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ इंजन, इंजन का परिचय और प्रकार। चलते हैं सीधा नीचे। ओके फ्रेंड्स, लेसन नंबर 1 इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ इंजन, इंजन का परिचय और प्रकार। फ्रेंड्स लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, लास्ट वीडियो में हमने 50 प्लस लाइक्स का गोल रखा था जो आपने कंप्लीट करवा दिया, इसलिए मैंने जैसा प्रॉमिस किया था मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया, और अब हम इस क्रम में शुरू हो चुके हैं। तो मुझे बाकी वीडियोस भी लाना है और मैं लाऊंगा, बट मैं फ्रेंड्स चाहता हूं कि आप मुझे मोटिवेट करते रहें अपने कमेंट्स के जरिए, वीडियो में अपने लाइक के जरिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आप टाइमली ये वीडियोस पा सकें, देख सकें, इसका बेनिफिट आप ले सकें एग्जाम में। और फ्रेंड्स अपने ऐसे फ्रेंड्स जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक शेयर जरूर कर दें, ताकि इसका फायदा उन्हें भी मिले। और फ्रेंड्स पिछली वीडियो से इस वीडियो में, इस वीडियो को बनाने में मुझे 4x मेहनत लग रही है, तो लाइक्स भी 4x होने चाहिए। इस वीडियो के लिए मेरा हार्ड वर्क मैं दूंगा, आपको अपना हार्ड वर्क मेरे लिए देना है मुझे मोटिवेट करने के लिए, ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊं। तो इस वीडियो का आपके लिए गोल है 200 प्लस लाइक्स का, मुझे इस वीडियो पे 200 से ज्यादा लाइक्स चाहिए, उसके बाद ही मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा। तो फ्रेंड्स आप खुद से करें, अपने फ्रेंड्स से करवाएं, मैं नहीं जानता कैसे होगा ये 200 लाइक्स इस वीडियो पे
हो जाने चाहिए, वही मेरे लिए मोटिवेशन होगा, मुझे वही चाहिए ताकि मैं इसके बाद लेसन टू लेके आऊँ। वो लेसन इससे ज्यादा ब्रीफ होगा, इससे ज्यादा डीप होगा, इससे ज्यादा अच्छी तरह से उसमें मैंने मेहनत करनी है, तो वो डिसाइड होगा आपकी लाइक्स से कि आप वीडियो को कितना लाइक देते हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपना टॉपिक आज का, इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ इंजन, इंजन का परिचय और प्रकार। तो फ्रेंड्स हम शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से। इसमें पूछा गया है इंजन क्या है और इंजन के प्रकार क्या हैं। तो इंजन एक प्रकार का मशीन है जो कि ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। इंजन को ऑटोमोबाइल का दिल, हार्ट ऑफ ऑटोमोबाइल भी कहा जाता है, क्योंकि ऑटोमोबाइल में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका, इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इंजन मूल रूप से पावर को उत्पन्न करता है। तो फ्रेंड्स इंजन क्या है, इंजन एक मशीन है। अब आप बोलोगे मशीन क्या होती है, उस पे भी एक वीडियो लाइए। तो मुझे लगता है आप इतने समझदार होंगे कि आपको पता है मशीन क्या है। अगर नहीं पता है मशीन क्या है तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ मशीन क्या है, वो आपको हमारे बाबा बताएंगे। कौन बाबा? वो बाबा ये हैं, हमारे बाबा रणछोड़ दास, ये आपको बताएंगे मशीन क्या है। तो बाबा जी बताएं हमें मशीन क्या है। क्या मशीन क्या है ये तो हमें पता ही नहीं, हमारे फ्रेंड्स को, सब्सक्राइबर्स को पता नहीं क्या है मशीन। रणछोड़ दास बाबा बताइए जरा। तो पेन की निब से लेके पैंट की जिप तक सब मशीन है सर। एक सेकंड में आप, एक सेकंड में आप, 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 तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको पता चल गया होगा मशीन क्या है। इंजन हमारा एक मशीन है जिसे हम ऑटोमोबाइल का या फिर कह सकते हैं किसी व्हीकल का हार्ट कह सकते हैं, उसे दिल कह सकते हैं। जिस प्रकार हमारी बॉडी में हार्ट का काम होता है, बॉडी तक ब्लड पंप करना, सारे शरीर में ब्लड का फ्लो करवाना, ब्लड अपने माध्यम से शरीर को ऑक्सीजन देता है और भी न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो सेम एज इंजन का मूल रूप से क्या काम है, पावर को उत्पन्न करना, और उसी पावर से हमारा ऑटोमोबाइल जो है वो चलता है। ठीक है, देखते हैं फ्रेंड्स इंजन के कितने प्रकार होते हैं। बताइए फ्रेंड्स कितने प्रकार होते हैं इंजन के। तो इंजन के फ्रेंड्स मूल रूप से दो प्रकार होते हैं, और ये हैं बाहरी दहन इंजन और आंतरिक दहन इंजन, या कि जिसको हम कह सकते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन और इंटरनल कंबशन इंजन। आप सोच रहे होंगे पढ़ा तो मैं रहा हूँ इंजीनियरिंग रिलेटेड टॉपिक और मेरी राइटिंग जो है वो डॉक्टर्स के जैसी है। फ्रेंड्स आप मुझे डॉक्टर भी कह सकते हैं, इंजीनियर भी कह सकते हैं। इंजीनियरिंग के साथ मैंने आपको अभी बॉडी का सिस्टम भी बताया, हार्ट का सिस्टम भी बताया। तो फ्रेंड्स चीजों को ऐसे ही रिलेट करके पढ़ें, अपने आसपास की चीजों से रिलेट करेंगे, आपके माइंड में चीजें अच्छी तरह से बैठेंगी, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इंजन के मूल रूप से दो प्रकार हैं, एक बाहरी दहन इंजन और एक आंतरिक दहन इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन और इंटरनल कंबशन इंजन। इसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है हम आगे देखते हैं। ये फ्रेंड्स बाहरी दहन इंजन का, एक्सटर्नल कंबशन इंजन का उदाहरण है, एक भाप से चलने वाला इंजन जिसमें कि इंजन से बाहर कंबशन की प्रक्रिया होती है। कैसे होती है एक्सटर्नल कंबशन इंजन में प्रक्रिया, बाहरी दहन इंजन में, चलिए उसको हम पढ़ते हैं। तो बाहरी दहन इंजन, जैसा कि नाम से पता चलता है कि एक बाहरी दहन इंजन में ईंधन का दहन इंजन के बाहर होता है। यहाँ अतिरिक्त गर्मी का उपयोग कम दबाव वाली भाप बनाने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग टरबाइन में बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। यहाँ ईंधन को इंजन के बाहर जलाया जाता है, इसलिए हम ठोस ईंधन का भी उपयोग कर सकते हैं। तो आमतौर पे ऐसे जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन होते हैं उनमें ठोस ईंधन का भी उपयोग हो सकता है। ठोस ईंधन वो क्या होता है, ठोस ईंधन आपका हो सकता है कोल। कोल को भी जलाने से हमें वो ताप मिलेगा जिसका उपयोग करके भाप बनाया जाएगा, जिससे टरबाइन घूमेगी और बिजली पैदा होगा। और पुराने समय में इन भाप वाले इंजन का, एक्सटर्नल कंबशन इंजन का यूज करके भारी रेल चलाई जाती थी। फ्रेंड्स आप जहां NCL में HMM की वैकेंसी लेकर जाएंगे कोल माइंस में, उसका उपयोग यही होता है। वहां कोल प्रोडक्शन होता है जो कि आगे जाकर थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हेल्पफुल होता है। NTPC जैसी कंपनी में यूज होता है। क्या यूज होता है उसका, कोल NTPC में भेजा जाता है। वहां बड़े बड़े चिमनी लगे होते हैं, उनमें हमारा जो कोल NCL से गया होता है वो सप्लाई होता है। वहां उसे बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर पे जलाया जाता है और वो वहां मौजूद वाटर को हीट करता है, जिससे कि भाप पैदा होती है। भाप पैदा होती है तो वो टरबाइन को घुमाती है, और टरबाइन घूमती है तो मशीनें चलती हैं और पावर पैदा होता है, या कह सकते हैं आप टरबाइन में बिजली पैदा होता है। तो फ्रेंड्स ये है बेसिकली एक्सटर्नल कंबशन का एग्जांपल, ऐसा होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। अब हम देखेंगे इंटरनल कंबशन इंजन क्या है, आंतरिक दहन इंजन क्या है। जैसा कि नाम से पता चलता है कि एक आंतरिक दहन इंजन में इंजन के अंदर ईंधन का दहन होता है। IC इंजन का सबसे सामान्य प्रकार 4-स्ट्रोक इंजन है या 4-स्ट्रोक इंजन है, जिसमें 4 अलग अलग चरण होते हैं। इस इंजन में ईंधन दहन कक्ष के अंदर प्रवेश करता है और पिस्टन इसे संपीड़ित करता है, संपीड़ित या कंप्रेस करता है। संपीड़न और स्पार्क प्रज्वलन के कारण पिस्टन पर उच्च दबाव, हाई प्रेशर और तापमान लगाया जाता है, जिसका उपयोग क्रैंक को घुमाने के लिए किया जाता है। इस सारी प्रक्रिया को हम फ्रेंड्स आगे समझेंगे कि कैसे होता है। तो जो एक कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से पिस्टन से जुड़ा होता है, आंतरिक दहन इंजन में इंजन के अंदर ईंधन का दहन होता है। बेसिकली इस फीचर के कारण इसे आंतरिक दहन इंजन या इंटरनल कंबशन इंजन कहते हैं। 2-स्ट्रोक
और 4 स्ट्रोक पेट्रोल और डीजल इंजन आंतरिक दहन इंजन के उदाहरण हैं। 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक पेट्रोल और डीजल इंजन इंटरनल कंबशन इंजन आंतरिक दहन इंजन के उदाहरण हैं। जैसे फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप, एक इंटरनल कंबशन इंजन का फोटो है, ये एक 4 स्ट्रोक इंजन है। विभिन्न प्रकार के आंतरिक दहन आईसी इंजन होते हैं और उनका वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स इंटरनल कंबशन इंजन के क्या क्या टाइप होते हैं और किन किन बेस पे उन्हें बांटा जा सकता है हम आगे देखते हैं। फ्रेंड्स आईसी इंजन या आंतरिक दहन इंजन को निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत किया गया है, इन बेस पे उनको हम बांटते हैं, अलग करते हैं किन बेस पे। तो फ्रेंड्स फर्स्ट है डिजाइन के आधार पर रेसिप्रोकेटिंग इंजन। क्या है रेसिप्रोकेटिंग इंजन? रेसिप्रोकेटिंग इंजन में एक पिस्टन और सिलेंडर होता है। पिस्टन सिलेंडर के भीतर रेसिप्रोकेटिंग टू और फ्रो गति करता है। पिस्टन की पारस्परिक गति के कारण पारस्परिक इंजन भी इसे कहा जाता है। 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन पारस्परिक इंजन के सामान्य उदाहरण है, रेसिप्रोकेटिंग इंजन के उदाहरण है। तो फ्रेंड्स रेसिप्रोकेटिंग इंजन क्या है? ये एक प्रकार का ऐसा इंजन है जो कि इंजन में पिस्टन का यूज करता है। एक या ज्यादा पिस्टन हो सकते हैं, सिलेंडर होता है। पिस्टन जो होता है वो सिलेंडर के भीतर टू और फ्रो गति करता है। टू और फ्रो गति क्या है? यानी अप एंड डाउन, इस प्रकार से मूवमेंट करता है। इसी मूवमेंट को, अप एंड डाउन वाले मूवमेंट को हम रेसिप्रोकेटिंग मोशन कहते हैं, जो कि अप एंड डाउन मोशन को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो इसे हम रेसिप्रोकेटिंग इंजन कहते हैं। अगला है फ्रेंड्स रोटरी इंजन। क्या है फ्रेंड्स रोटरी इंजन? तो फ्रेंड्स रोटरी इंजन में रोटर बिजली पैदा करने के लिए एक रोटरी गति का यूज करता है। कोई पारस्परिक गति नहीं है, कक्ष में एक रोटर मौजूद होता है जो एक कक्ष के अंदर घूर्णन गति करता है यानी घूमता है। वैंकल रोटरी इंजन, टर्बाइन इंजन, ये रोटरी प्रकार के इंजन है या फिर रोटरी इंजन के एग्जांपल है। रोटरी इंजन क्या है फ्रेंड्स? रोटरी इंजन एक पुराना मॉडल है इंजन का, उसपे आमतौर पे कोई मूवमेंट नहीं होता है, उसी के अंदर रोटर मौजूद होता है जो कि एक चेंबर के अंदर ही घूमता है, मोशन करता है। इसके 2 एग्जांपल है वैंकल रोटरी इंजन और टर्बाइन रोटरी इंजन। वैंकल इंजन फ्रेंड्स ऐसा होता है, उसके अंदर ऐसा सा रोटरी डिजाइन होता है जो कि प्रेशर को रोटेटिंग मूवमेंट में कन्वर्ट करता है, रोटेटिंग मोशन में कन्वर्ट करता है, जिसके कारण पावर जनरेट होती है। टर्बाइन इंजन भी फ्रेंड्स रोटरी इंजन का एक एग्जांपल है। ओके फ्रेंड्स देखते हैं अगला, ईंधन के आधार पर, ईंधन के आधार पे कैसे इंजन का बंटवारा होता है, फ्यूल के आधार पे। उपयोग किए गए ईंधन के प्रकार के आधार पर इंजन को पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन और गैस इंजन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो ईंधन के आधार पे हमारा पहला जो इंजन है वो है पेट्रोल इंजन। ये वो इंजन है जो अपने काम करने के लिए पेट्रोल का उपयोग करता है और पेट्रोल इंजन कहलाता है। यानी सिंपल है, इंजन में उसे चलाने के लिए अगर हम पेट्रोल डाल रहे हैं तो वो पेट्रोल इंजन है। सेम एज डीजल इंजन, वो इंजन जो अपने काम के लिए डीजल का उपयोग करता है डीजल इंजन कहलाता है। अगर यहाँ हम पेट्रोल की जगह डीजल का उपयोग करेंगे तो हमारा ये डीजल इंजन है। अगला है गैस इंजन। काम करने के लिए गैस ईंधन का उपयोग करने वाला इंजन गैस इंजन कहलाता है। डीजल की जगह गैस का उपयोग कर रहे हैं हम इंजन चलाने के लिए, वो हमारा गैस इंजन है। विद्युत इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन क्रैंक को घुमाने के लिए विद्युत ऊर्जा का उपयोग करता है। यानी फ्रेंड्स इंजन के अंदर पावर जो है क्रैंक को जो मूव करती है, अगर इसे मूव करने के लिए इलेक्ट्रिक का उपयोग कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक इंजन कहलाएगा। नेक्स्ट इंजन साइकिल के आधार पर इंजन के प्रकार क्या हैं? संचालन के चक्र के आधार पर इंजन के प्रकार हैं। इंजन जिस साइकिल में चलते हैं उनके आधार पे भी इंजन को बांटा गया है। क्या है वो? फर्स्ट है ऑटो साइकिल इंजन। इस प्रकार का इंजन ऑटो साइकिल पर काम करता है, जिसका की नाम एक प्रसिद्ध जर्मन इंजीनियर निकोलस ऑटो के नाम पे रखा गया है। ऑटो साइकिल इंजन इसे कहते हैं। अगला है फ्रेंड्स डीजल साइकिल इंजन, जो कि डीजल साइकिल पर चलने वाले इंजन को डीजल साइकिल इंजन कहते हैं, जो कि मोस्टली आपने ऊपर रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट वाला इंजन देखा था, तो मोस्टली ये इंजन रेसिप्रोकेटिंग इंटरनल कॉम्बशन इंजन होता है। अगला है फ्रेंड्स ड्यूअल साइकिल इंजन या सेमी डीजल साइकिल इंजन। वो इंजन जो डीजल के साथ साथ ऑटो साइकिल दोनों पर काम करता है उसे ड्यूअल साइकिल इंजन या सेमी डीजल साइकिल इंजन कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स देखते हैं अगला, स्ट्रोक की संख्या के आधार पर, स्ट्रोक की संख्या के आधार पर इंजन के प्रकार हैं। ये देखिए फ्रेंड्स सबसे पहला है 4 स्ट्रोक इंजन। ये एक ऐसा इंजन है जिसमें पावर स्ट्रोक एक चक्र में पिस्टन 4 बार यानी 2 ऊपर की ओर फ्रॉम BDC से TDC तक, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक और 2 नीचे की ओर TDC से BDC तक, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक गति करता है, इसे 4 स्ट्रोक इंजन कहा जाता है। अगला है फ्रेंड्स 2 स्ट्रोक इंजन। जिस इंजन में पिस्टन 2 बार गति करता है यानी एक TDC से BDC तक और दूसरा BDC से TDC तक यानी बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक पावर स्ट्रोक उत्पन्न करने के लिए, वो 2 स्ट्रोक इंजन कहलाता है, 2 स्ट्रोक इंजन कहलाता है। अगला है हॉट स्पॉट इग्निशन इंजन। नॉर्मली इस प्रकार का इंजन उपयोग में नहीं है तो इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी लेने की जरूरत नहीं है अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है फ्रेंड्स इग्निशन के आधार पर इंजन को हम कैसे बांट सकते हैं। इग्निशन या प्रज्वलन के आधार पर इंजन को इस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहला स्पार्क इग्निशन इंजन या SI इंजन जिसे कह सकते हैं। स्पार्क इग्निशन इंजन में
एक स्पार्क प्लग होता है जो इंजन हेड पर लगाया जाता है। स्पार्क प्लग ईंधन के संपीड़न या कंप्रेशन के बाद चिंगारी पैदा करता है और दहन के लिए वायु और ईंधन के मिश्रण को प्रज्वलित करता है। यानी इंजन में हेड पे जो स्पार्क इग्निशन में एक स्पार्क प्लग लगा रहता है, स्पार्क प्लग में जो हमारा फ्यूल जाता है उसे कंप्रेस करने के बाद उसमें एक हल्की सी चिंगारी पैदा करता है, जिसके बाद वो वहाँ जो एयर का और फ्यूल का मिक्सचर होता है वो जल जाता है पावर जनरेट करने के लिए, मूवमेंट के लिए। तो पेट्रोल इंजन हमारा स्पार्क इंजन है, इस प्रकार के इंजन का उदाहरण है पेट्रोल इंजन। अगला है फ्रेंड्स कंप्रेशन इग्निशन इंजन, CI इंजन। कंप्रेशन इग्निशन इंजन में सिलेंडर हेड पर कोई स्पार्क प्लग नहीं लगा होता है। संपीड़ित हवा या कंप्रेस्ड एयर की गर्मी से ईंधन प्रज्वलित होता है। डीजल इंजन कंप्रेशन इंजन है, तो कंप्रेशन CI इंजन का उदाहरण है डीजल इंजन। अगला है फ्रेंड्स सिलेंडर की संख्या के आधार पर इंजन का बंटवारा। इंजन में उपयोग सिलेंडर की संख्या के आधार पर इंजन के प्रकार होते हैं, क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स ये तीन प्रकार के आप डायग्राम देख सकते हो इंजन के टाइप्स के, इनको ब्रीफ में जानते हैं। फर्स्ट फ्रेंड्स हमारा सिंगल सिलेंडर इंजन, आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये सिंगल सिलेंडर इंजन का है। ओके सिंगल सिलेंडर इंजन क्या है? जिस इंजन में सिंगल सिलेंडर होता है उसे सिंगल सिलेंडर इंजन कहा जाता है। आमतौर पर सिंगल सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल मोटरसाइकिल स्कूटर आदि में किया जाता है। ये सेम टू सेम इंजन मोटरसाइकिल और स्कूटर में नहीं यूज होता है, बट उसमें भी सिंगल सिलेंडर इंजन का यूज होता है। ऐसे इंजन आमतौर पर आपने जनरेटर वगैरह में देखे होंगे। अगला है फ्रेंड्स डबल सिलेंडर इंजन, जिस इंजन में दो सिलेंडर होते हैं उसे डबल सिलेंडर इंजन कहा जाता है। ये डबल सिलेंडर इंजन का उदाहरण है। अब देखते हैं अगला है मल्टी सिलेंडर इंजन, जिस इंजन में दो से अधिक सिलेंडर होते हैं उसे मल्टी सिलेंडर इंजन कहा जाता है। मल्टी सिलेंडर इंजन में 3, 4, 6, 8, 12 या 16 सिलेंडर हो सकते हैं, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये है मल्टी सिलेंडर इंजन का उदाहरण। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अब अगला है फ्रेंड्स इंजन का वर्गीकरण सिलेंडर की व्यवस्था के आधार पर। उसमें सिलेंडर कैसे फिट है, किस तरह से एडजस्ट किया है, उसके आधार पर कैसे वर्गीकृत करेंगे इंजन को। तो फ्रेंड्स सिलेंडर की व्यवस्था के आधार पर इंजनों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार होता है, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। अलग अलग टाइप से वर्गीकरण है, जैसा कि ये सिंगल सिलेंडर इंजन हमने अभी पढ़ा, डबल सिलेंडर इंजन ऐसे बगल बगल से फिट है इसमें, इसे हॉरिजॉन्टल इंजन कह सकते हैं। ये वी इंजन का उदाहरण है, वी टाइप इंजन का। ये इनलाइन वर्टिकल इंजन का उदाहरण है, ये अपोज्ड सिलेंडर इंजन का उदाहरण है, ये डब्लू टाइप इंजन का उदाहरण है। और इसमें देख सकते हैं फ्रेंड्स सिलेंडर का आकार इस तरह का है, ये रेडियल इंजन का उदाहरण है। तो देखते हैं फ्रेंड्स सबसे पहला है लंबवत इंजन, इसे फ्रेंड्स ऊर्ध्वाधर इंजन भी कहते हैं। सिलेंडर को एक ऊर्ध्वाधर स्थिति में वर्टिकल पोजिशन में व्यवस्थित किया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, देख सकते हैं फ्रेंड्स वर्टिकल शेप में वर्टिकल पोजीशन में रखा गया है। अगला है फ्रेंड्स क्षैतिज इंजन, एक क्षैतिज इंजन में सिलेंडरों को एक क्षैतिज स्थिति में रखा जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स इसकी इंजन में क्षैतिज इंजन में सिलेंडर की स्थिति क्षैतिज होती है, यानी हॉरिजॉन्टल होती है। ये है फ्रेंड्स क्षैतिज इंजन का उदाहरण। ओके फ्रेंड्स देखते हैं अगला रेडियल इंजन। रेडियल इंजन एक पारस्परिक प्रकार का आंतरिक दहन इंजन विन्यास है, जिसमें सिलेंडर एक पहिया की प्रवक्ता की तरह केंद्रीय क्रैंक केस से बाहर की ओर निकलते हैं। सामने से देखने पर यह एक स्टाइलिस्ड स्टार की तरह दिखता है और इसे स्टार इंजन भी कहा जाता है। गैस टर्बाइन इंजन प्रमुख नहीं होने से पहले यह आमतौर पर विमान के इंजन के लिए उपयोग किया जाता है। ये फ्रेंड्स देखिए रेडियल इंजन का उदाहरण है, यहाँ आप देख सकते हैं इसमें क्रैंक केस से सिलेंडर बाहर की ओर निकले हुए हैं और ये एक स्टार की तरह दिखता है, इसलिए इसे स्टार इंजन भी कहा गया है, स्टार की तरह इसका शेप होने के कारण। अगला है फ्रेंड्स वी प्रकार का इंजन। वी प्रकार के इंजन में सिलेंडरों को दो बैंकों में उनके बीच कुछ कोण के साथ रखा जाता है। कंपन और संतुलन की समस्याओं को रोकने के लिए दोनों पक्षों के बीच के कोण को यथासंभव छोटा रखा जाता है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स ये है वी टाइप इंजन का उदाहरण। इसमें सिलेंडर जो है ऐसे वी टाइप से एडजस्ट करके लगे हुए हैं और पिस्टन इसके अंदर इसी प्रकार से एडजस्ट किए हुए हैं। देखते हैं फ्रेंड्स अगला है फ्रेंड्स डब्लू प्रकार का इंजन। डब्लू प्रकार के इंजनों में सिलेंडरों को तीन पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि ये W प्रकार की व्यवस्था बनाता है। W टाइप का इंजन तब बनता है जब 12 सिलेंडर और 16 सिलेंडर इंजन बनते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये है W टाइप इंजन का एक नमूना, देख सकते हैं इस प्रकार से इसकी आकृति है, एक इधर की ओर और इधर की ओर। देखते हैं फ्रेंड्स अगला डिजाइन के आधार पर क्या है। अपोजिट सिलेंडर इंजन, विपरीत सिलेंडर इंजन में सिलेंडर एक दूसरे के विपरीत होते हैं, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड एक ही गति दिखाते हैं, ये सुचारू रूप से चलता है और इसमें अधिक संतुलन होता है। इसकी व्यवस्था विरोधी सिलेंडर इंजन के आकार को बढ़ाती है। ये देखिए फ्रेंड्स ये है अपोज्ड सिलेंडर इंजन। इसमें सिलेंडर जो है दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में हैं, पिस्टन भी अलग अलग डायरेक्शन में लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स अगला है वॉल्व के आधार पर इंजन का वर्गीकरण। फ्रेंड्स सिलेंडर हेड
या ब्लॉक में विभिन्न स्थितियों में इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व की वाल्व व्यवस्था के अनुसार ऑटोमोबाइल इंजनों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। इन व्यवस्थाओं को L, I, F और T नाम दिया गया है। चार वाल्व व्यवस्था को याद करने के लिए लिफ्ट शब्द को याद रखना आसान है। फ्रेंड, इसमें वाल्व के आधार पे जो इंजन का वर्गीकरण है वो चार तरह से है, देखते हैं क्या। सबसे पहले L हेड इंजन। इस प्रकार के इंजन में इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व एक साथ व्यवस्थित होते हैं और एक ही क्रैंक शाफ्ट द्वारा संचालित होते हैं। सिलेंडर और दहन कक्ष बनता है और उल्टा L। ओके फ्रेंड्स, अगला है आई हेड इंजन। वाल्व के व्यवस्था के आधार पर आई हेड इंजन में इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व सिलेंडर हेड में स्थित होते हैं। एक एकल वाल्व सभी वाल्वो को सक्रिय करता है। इस प्रकार के इंजन ज्यादातर ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाते हैं। अगला है एफ हेड इंजन। ये आई हेड और एफ हेड इंजन का एक संयोजन है। इसमें एक वाल्व आमतौर पर इनलेट वाल्व सिर में होता है, ऊपर होता है, और निकास वाल्व सिलेंडर ब्लॉक में होता है। वाल्व के दोनों सेट एकल क्रैंकशाफ्ट द्वारा संचालित होते हैं। अगला फ्रेंड्स, टी हेड इंजन। टी हेड इंजन में इनलेट वाल्व एक तरफ और एग्जॉस्ट वाल्व सिलेंडर की दूसरी तरफ होता है, यानी एक तरफ इनलेट वाल्व और दूसरी तरफ एग्जॉस्ट वाल्व। यहाँ दो कैमशाफ्ट को संचालित करने की आवश्यकता होती है। इसमें एक इनलेट वाल्व के लिए तथा दूसरा वाल्व निकास के लिए होता है। अगला फ्रेंड्स, शीतलन के आधार पर इंजन का वर्गीकरण। शीतलन के आधार पर इंजनों को कुछ इस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पहला क्या है, एयर कूल्ड इंजन। इन इंजनों में इंजन को ठंडा करने के लिए एयर का उपयोग किया जाता है। एयर कूल्ड इंजन में सिलेंडर बैरल को अलग किया जाता है और धातु के पंखों का उपयोग किया जाता है, जो कि विकिरण फेस क्षेत्र प्रदान करता है, जो शीतलन को बढ़ाता है। एयर कूल्ड इंजन आमतौर पर मोटरसाइकिल और स्कूटर में उपयोग किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जो बाइक चलाते हैं उनमें एयर कूल्ड इंजन का इस्तेमाल होता है उसके इंजन को ठंडा रखने के लिए। अगला है फ्रेंड्स, वाटर कूल्ड इंजन। वाटर कूल्ड इंजन में पानी का उपयोग इंजन को ठंडा करने के लिए किया जाता है। वाटर कूल्ड इंजन का उपयोग कारों, बसों, ट्रकों और अन्य चार पहिया गाड़ियों में भारी मोटर वाहनों में किया जाता है। ठंड के मौसम में इसे जमने से रोकने के लिए पानी में एक एंटी फ्रीजिंग एजेंट मिलाया जाता है। प्रत्येक वाटर कूल्ड इंजन में इंजन से गर्म पानी को ठंडा करने के लिए रेडिएटर होता है। फ्रेंड्स, रेडिएटर, पिस्टन, सिलेंडर, इन सभी कंपोनेंट्स को हम अगली वीडियो में देखेंगे। अभी आपके लिए हो सकता है ये टर्म थोड़ा समझ से बाहर हो। वैसे आमतौर पे अगर आप HMM ऑपरेटर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये टर्म आपके लिए नया नहीं होना चाहिए। फिर भी मैं आपको बकायदे डायग्राम की मदद से इन टर्म्स को समझाऊंगा अगली वीडियो में। बट हाँ फ्रेंड्स, याद रखिएगा, मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत वक्त और मेहनत देना पड़ रहा है, तो अगला वीडियो मैं आपके लिए लाऊं उसके लिए इस वीडियो को आपको 200+ लाइक्स देने हैं ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं। मैं अपने तरफ से हार्डवर्क करता रहूं आपके लिए अगला लेसन 2 लाऊं। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं आगे। उपरोक्त प्रकार के इंजनों के अलावा आंतरिक दहन इंजन को भी निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो हमने फ्रेंड्स देख लिया डिजाइन के आधार पे, इंजन व्यवस्था के आधार पे, कैसे इंजन में सिलेंडर वगैरह की व्यवस्था होती है उसके आधार पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। वाल्व के आधार पे, कैसे उसका वाल्व इनलेट वाल्व एग्जॉस्ट वाल्व कैसा होता है, किधर होता है उसके आधार पे। कूलेंट के आधार पे, शीतलन के आधार पे भी देख लिया हमने। अब इन सबों के अलावा और भी पॉइंट्स हैं जिन पे इंजन को वर्गीकृत किया जा सकता है, अब वो क्या है आगे देखते हैं। गति के आधार पे इंजन का वर्गीकरण कैसे हो सकता है, गति के आधार पे इंजन का हो सकता है वर्गीकरण, कम गति वाला इंजन, मध्यम गति वाला इंजन या हाई स्पीड इंजन जो कि जेट वगैरह में यूज हो सकता है। इंजन में इंजेक्शन की विधि, इंजन में फ्यूल कैसे हमारा जा रहा है, किस तरह से इंजेक्ट हो रहा है उसके आधार पे भी इंजन को वर्गीकृत किया जा सकता है। ईंधन इंजेक्शन की विधि के आधार पर इंजनों को इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है, कार्बोरेटर इंजन, वायु इंजेक्शन ईंधन, वायुहीन या ठोस इंजेक्शन इंजन। अगला फ्रेंड्स, गवर्निंग करने के तरीके के आधार पे कैसे इंजन को वर्गीकृत किया जा सकता है, उसमें इंजन के क्या टाइप्स हैं। पहला है फ्रेंड्स, हिट एंड मिस शासित इंजन या हिट एंड मिस गवर्निंग इंजन। यह एक प्रकार का इंजन होता है जिसमें ईंधन के प्रवेश को गवर्नर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये बहुत तेज गति से इंजन के प्रज्वलन और ईंधन की आपूर्ति को काट कर इंजन की गति को नियंत्रित करता रहता है। अगला है फ्रेंड्स, गुणात्मक रूप से शासित इंजन। गवर्निंग की इस प्रणाली में ईंधन वितरण पाइप में एक नियंत्रण वाल्व लगाया जाता है, कंट्रोल वाल्व लगाया जाता है, जो चार्ज में मिश्रित होने वाले ईंधन की मात्रा को नियंत्रित करता है। नियंत्रण वाल्व की गति को केंद्र प्रसारक गवर्नर, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर द्वारा रैक और पिनियन व्यवस्था के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। अगला क्या है फ्रेंड्स, मात्रात्मक रूप से शासित इंजन। गवर्निंग की इस प्रणाली में ईंधन वितरण पाइप में एक नियंत्रण वाल्व लगाया जाता है, जो चार्ज में मिश्रित होने वाले
ईंधन की मात्रा को नियंत्रित करता है। नियंत्रण वाल्व की गति को केंद्र प्रसारक गवर्नर सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर द्वारा रैक और पिनियन व्यवस्था के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। अगला फ्रेंड्स, इंजन को हम उपयोग के आधार पर कैसे बांट सकते हैं, उपयोग के आधार पर कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। तो पहला है फ्रेंड्स स्थिर इंजन या स्टैटिक इंजन। स्थिर इंजन एक ऐसा इंजन होता है जिसमें इसकी रूपरेखा नहीं चलती है, जो बेस है इंजन का वो मूव नहीं करता है। इसका उपयोग पंप, जनरेटर, मिल या फैक्ट्री मशीनरी आदि जैसे स्थिर उपकरणों को चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप जो फैन में, जनरेटर में, मिल में जो इंजन देखते हैं वो स्थिर इंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला है फ्रेंड्स मोटर वाहन इंजन। ये उस प्रकार के इंजन होते हैं जिनका उपयोग ऑटोमोबाइल उद्योगों में किया जाता है। उदाहरण के लिए पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, गैस इंजन, आंतरिक दहन इंजन है, आईसी इंजन है, जो ऑटोमोटिव इंजन की श्रेणी में आते हैं। अगला है लोकोमोटिव इंजन। जिन इंजनों का उपयोग ट्रेनों में किया जाता है उन्हें लोकोमोटिव इंजन कहा जाता है। फ्रेंड्स, आपको ये एमसीक्यू में पूछ सकता है लोकोमोटिव इंजन किसे कहते हैं, ट्रेन में उपयोग होने वाला, मोटर वाहन में उपयोग होने वाला, मशीनरी में उपयोग होने वाला। फ्रेंड्स, इन पॉइंट्स को जरा ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें। अगला है फ्रेंड्स उपयोग के आधार पर समुद्री इंजन। वो इंजन जो नौ सैनिकों में नाव या जहाज के प्रणोदन के लिए, उनमें जान डालने के लिए, चलने के लिए उपयोग किए जाते हैं, वो है समुद्री इंजन कहलाते हैं। ये फ्रेंड्स छोटे मोटरबोट से लेके एक टाइटैनिक जहाज जैसे बड़े जहाज को चलाने के लिए हो सकते हैं। इनका आकार हो सकता है आप जिस बिल्डिंग में रह रहे हो, दो फ्लोर की बिल्डिंग हो, उसके साइज के ये बड़े बड़े इंजन हो सकते हैं जो कि समुद्री इंजन के रूप में नाव या जहाज में उपयोग में आते हैं। अगला है उपयोग के आधार पे वायुयान का इंजन। वायुयान में प्रयुक्त होने वाले इंजन के प्रकार वायुयान का इंजन कहलाते हैं। रेडियल और गैस टरबाइन इंजन का उपयोग विमान में प्रणोदन में किया जाता है, विमान को चलाने में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने अपना लेसन 1 चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ इंजन कंप्लीट कर लिया, इंजन और उसका परिचय और उसके प्रकार। अगले चैप्टर में, अगले लेसन में हम डिजाइन ऑफ इंजन एंड इट्स कॉम्पोनेंट्स, इंजन और उसके घटकों के बारे में पढ़ेंगे, उनके डिजाइन के बारे में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगला चैप्टर, अगला लेसन लाने के लिए आपको क्या करना है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। आपको इस वीडियो को लाइक करना है। इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 200 प्लस लाइक्स। 200 से ज्यादा लाइक्स इस वीडियो में होंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। अब वो आपको देखना है कि आप कैसे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक दिलवा सकते हैं, खुद से, अपने फ्रेंड्स से शेयर करके, या उन तक जिन्हें इसकी जरूरत है तैयारी करने के लिए उन तक शेयर करके। और फ्रेंड्स, कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस, क्वेरीज और सजेशंस हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको वीडियो के अपडेट्स सबसे पहले मिले। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।